स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। संत कबीर नगर जिले में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 मई को लोकसभा संत कबीर नगर में लोकसभा का चुनाव का मतदान होगा। इसी कड़ी में देखा गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद नगर पंचायत हैसा में कई वार्डों में नुक्कड़ सभा को संबोधित किए। विशिष्ट भाजपा नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि कमल के कमाल होगा, कमल मेरी पहचान, कमल देश की शान है, 1.5 अरब देशवासियों का अभिमान है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कमल के फूल को मुझको इतना पहचान दिलाए, कमल के फूल को लोगों को इतना लगाव हो चुका है कि कमल का फूल का बटन दबाने का इंतजार कर रही है जनता। नीलमणि ने कहा कि केंद्र की मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार जनहित के ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिसका लाभ सीधे आम जनता को मिल रही है और वही आम जनता फिर से कमल के फूल को बटन दबाने का बेताबी से इंतजार कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान खजनी विधायक श्री राम चौहान धनघटा के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणेश चंद चौहान, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अमर राय, विशिष्ट भाजपा नेता बब्बन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद, जिला महामंत्री गणेश पांडे, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पांडे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, सभासद, नगर पंचायत की आम जनता की काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि निर्मणि सभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहे। माननीय सभासद आदरणीय राजन पांडे जी के घर यहाँ पर उपस्थित प्रमुख इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सांसद जी, खजनी से चलकर आए हम लोगों के अभिभावक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय चाचा जी, दंगटा के विधायक, सम्मानित विधायक हमारे छोटे भाई आदरणीय गणेश जी, जिले के महामंत्री आदरणीय गणेश पांडे जी, जिले से चलकर आए जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय अमर राय जी, हमारे विधानसभा के संयोजक आदरणीय बब्बन शर्मा जी, हैसर के पूर्व प्रमुख हमारे प्रिय दोस्त अगम सिंह जी, मंच पर बैठे सभी, सामने बैठे हमारे लोरैया के मंडल अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भैया, हमारे यहाँ हैसर के मंडल अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पांडे जी, सामने बैठे सभी माताएं बहने, मंच पर बैठे सभी जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हमारे हैसर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बंधु जो यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत है, सामने बैठे सभी माताएं बहने और सभी पार्टी के कार्यकर्तागण। सम्मानित साथियों, हम लोग यहाँ जिनको सुनने आए हैं सही मायने में उनका भाषण हम लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि 2 मिनट आप माननीय सांसद जी का सम्मान कर दीजिए, तो हम उसी तारतम्य में खड़े हो गए। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जो आज आपको दिख रहा है, जो आप लोग संबोधन कर रहे हैं, वो पार्टी की देन है, कमल के फूल का देन है। कमल के फूल के बदौलत आज मुझे या मेरे परिवार को जो सम्मान मिला है उसके कारण तो छोड़िए, मैं दल में हूं तो दल जो भी कर रहा है, दल के लोग जो भी निर्देश दे रहे हैं, मैं कंटिन्यू चलने का काम कर रहा हूं। पार्टी के मान सम्मान में कहीं कोई कोताही नहीं बरत रहा हूं। पार्टी के संगठन के लोग जहां भी निर्देश कर रहे हैं वहां जाने का काम कर रहा हूं। किसी भी स्तर में अभी भी चुनाव है, माननीय सांसद जी से मैंने कहा कि पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है, जिसके बदौलत हमारी साख बढ़ी है, हमारे परिवार की साख बढ़ी है या हमारे नगर पंचायत की साख बढ़ी है, हमारा परिवार यहाँ बैठा है, नगर पंचायत परिवार है, सभी सभासदगण मौजूद हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग खोज रहे हैं समाज में क्या अच्छा किया जाए, जिनके बदौलत ये सब हुआ है, कमल के फूल के निशान के बदौलत हुआ है, तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जहां भी आप लोग जो भी आदेश करेंगे हम अक्षर से उसका पालन करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये चुनाव है, चुनाव के पहले भी जहां भी पार्टी ने हमको लगाया वहां अक्षर से उसका पालन करने का काम किए हैं।
ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम लोग मुख्य लोगों को सुनना है, तीन तीन हमारे महारथी लोग बैठे हैं मंच पर, ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार पुनः अपनी माताओं बहनों, मैं वादा करता हूँ माताओं बहनों, जो अन्य नगर पंचायतों में जहाँ भी जैसे होता है उससे बढ़ चढ़कर आप लोगों की हिस्सेदारी रहेगी, आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं कोई गिरावट नहीं आने दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं चाहता हूं कि नगर का विकास हो, विधायक जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, मैं चाहता हूं पूरे प्रदेश, पूरे हमारे जो भी ये नगर है या विधानसभा है, पूरे नगर या विधानसभा का विकास उसी तर्ज पर हो जिस तरह लोग कहा करते हैं खुला जगह का बहुत शानदार विकास है। सम्मानित साथियों, मेरे द्वारा कोई कमी नहीं की जा रही है, ना तो आगे कमी की जाएगी, आप लोग हमारे अभिभावक बंधु बैठे हैं, जहां भी कोई कमियां होती आप लोगों का सहयोग भी मैं लेने का काम करता हूं। ज्यादा कुछ न कहते एक बार पुनः अपने मीडिया बंधुओं, सभी माताओं बहनों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी का नेताओं का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।